राहुल गांधी शनिवार को प्रयागराज पहुंचे और संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भागीदारी के बिना देश नहीं चल सकता और इसके लिए 50% आरक्षण का बैरियर उखाड़ फेंकेंगे। आरक्षण और जातीय जनगणना पर राहुल गांधी का ये बयान दिखाता है कि अब उनके लिए ये मुद्दा नहीं है बल्कि उनके जीवन का एक मिशन बन चुका है। राहुल गांधी के इस बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी पोस्ट में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक सत्ता में रही तो उनसे जाति जनगणना क्यों नहीं कराई। मायावती ने कांग्रेस पार्टी को दोगले चरित्र की पार्टी करार देते हुए कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी ही है जिसने कभी भी बाबा साहेब का सम्मान नहीं किया, ना तो जीते जी और ना ही मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न दिया। यही नहीं बल्कि मान्यवर कांशीराम जी के निधन के बाद एक दिन का भी राजकीय शोक तक नहीं मनाया। मायावती ने कांग्रेस से सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक सत्ता में रही तो उन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई, जबकि बीएसपी हमेशा से इसकी पक्षधार रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस की चुप्पी को लेकर मायावती ने कहा कि इतना ही नहीं, संविधान के तहत एससी और एसटी को मिले आरक्षण में अब वर्गीकरण वकीली लेयर के जरिए इनके निष्प्रभावी बनाने व खत्म करने की चल रही साजिश के विरोध में कांग्रेस सपा व बीजेपी आदि का भी चुप्पी साधे रखना, क्या यही इनका गलत प्रेम है? सचेत रहे। इतना ही नहीं बल्कि मायावती ने यह भी ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से किसी भी चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या राहुल गांधी मायावती के इन तीखे सवालों का जवाब दे पाएंगे, क्या कांग्रेस की तरफ से भी मायावती पर कोई पलटवार होगा। आपके इस पर भी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनहित टाइम्स के साथ।